कैसा होगा आने वाला साल 2023 आपके लिए? अगर आपका बर्थडे है 6 तारीख का, आपका बर्थ है 15 का या 24 तारीख का, किसी भी महीने की, खास तौर पर आपकी सेहत के लिए, आपके करियर के लिए या ओवरऑल जुड़े रहिए। हाय एवरीवन, दिस इज जया करमचंदानी। वेलकम टू इनविंसिबल फैशन टॉक शो। और आज इस न्यू ईयर की सीरीज में आपसे बात कर रही हूँ नंबर 6 के बारे में, यानी अगर आपका बर्थडे है, जन्मदिन है किसी भी महीने की 6 तारीख का, 15 या 24 का, आने वाला वर्ष 2023 जिसको जोड़ने से आता है अंक 7, कैसा होगा? इसके पहले शेयर करूँ, सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को और जुड़ जाइए इनविंसिबल परिवार से। और हाँ, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस करें ताकि आप तक ये नए एपिसोड पहुँचते रहें। पर अगर यदि आपका या आपके परिवार में कोई है नंबर 1 से लेके 5 तक, अंक 1 से 5 तक, वो वीडियोस रिलीज कर चुके हैं हम चैनल पे, टेक अ लुक। अब अंक 6 हैं आप, यानी 6 का 15 या 24 का है जन्म, तो उससे शुक्र ग्रह से जुड़ते हैं, यानी वैभवता का है, लग्जरी का है, वो जो आपकी मन की इच्छाएं भी पूरी करता है। अलग अलग नज़रिया, अलग अलग दृष्टिकोण। 2022 को जोड़ने से आया था 6, वो वर्ष आपके लिए ज़्यादा आपको लगा आपके अनुरूप है। 2023 है अंक 7। इसके पहले बताऊं कैसा होगा, आपको ये समझना ज़रूरी है अंक 6 कैसे होते हैं। देखिए, वैभवता से जुड़ा नंबर है। नंबर 6 वालों में करिश्मा होता ही होता है। ये वो नंबर है जिसमें करिश्मा, चार्म, अट्रैक्शन, ऑरा, या जिनके टेस्ट भी काफ़ी पॉलिश्ड होते हैं। कुछ नंबर 6 वो हैं जो ये बाहरी चकाचौंध, मटेरियलिज्म या भौतिक सुखों के पीछे न भाग करके स्पिरिचुअलिटी, आंतरिक सुख उनके लिए ज़्यादा मैटर करता है। तो आने वाले वर्ष 2023 में सबसे बड़ी चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि मैं, मेरा, मुझे ये चाहिए, ऐसा चाहिए की जगह थोड़ा सा अपने आंतरिक अंतर्मन की तरफ आपको टर्न करना पड़ेगा। कहते हैं ना, गाड़ी सीधी जा रही है और आपको यू टर्न करने को बोला जा रहा है, वो वैसे ही तो आप बाहर ढूंढ रहे हैं सब कुछ, अपने अंतर्मन में आपको थोड़ा सा ज़्यादा झांकना पड़ेगा। पहले बात कर लेते हैं आपकी सेहत की। आने वाले वर्ष में सेहत का ध्यान रखिएगा, हो सकता है थोड़ा गले से या नेक या ब्लड सर्कुलेशन या गैस या पेट से जुड़ी हुई थोड़ी सी दिक्कत पे, उसके लिए रेमेडी ये कर सकते हैं कि आप अपने खाने में पानी का कंटेंट बढ़ाएं। पानी अगर कम पीते हैं तो प्लीज़ अच्छे से पिएं पानी, और नहीं तो वो फल या सब्जियां जिसमें पानी का कंटेंट ज़्यादा होता है, हरी सब्जियां, उनको यूज़ करें। आने वाला वर्ष 2023 आपके करियर के लिए और आपके धन के लिए कैसा होगा? तो देखिए, आप क्रिएटिव फील्ड से जुड़े रहिए। आप जो करते हैं जिसमें आप अपनी परफेक्शन या अट्रैक्शन या चार्म, क्रिएटिविटी ले आते हैं, वो ले आइए। लेकिन जो भी आप करें उसका क्रेडिट खुद को ना दें। शेयर अलाउ ऑन अ लार्जर लेवल, कम्युनिटी या औरों में शेयर करें कि आपने ग्रुप में सबने सपोर्ट करा, नहीं भी करा, कि ये सबकी मदद से हो पाया। क्रिएटिव फील्ड से जुड़े रहिए। आपके करियर में अगर आपको माइंडसेट आपका है कि मेरा और मुझे क्रेडिट चाहिए, तो 2023 में थोड़ी दिक्कत आएगी। 2023 है कि आपको साझा करना है, दूसरों के साथ शेयर करना है, और आपको अपने अंदर थोड़ा सा ग्रेटिट्यूड लाना है। तो जो आप बाहर की तरफ भाग रहे हैं कि मुझे गेन है, प्रमोशन हो, तो नेक्स्ट ईयर थोड़े से उसके चांसेस कम है कंपेयर टू 2022, जिसमें शायद आपकी काफ़ी चीज़ें बनी हैं। 2023 ये आपसे या तो आप प्यार से कर लीजिए, या ऐसी सिचुएशन पैदा करेगा कि आपको लगेगा कि मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहा है, मेरे हिसाब से काम नहीं हो रहे हैं, सबके हिसाब से काम होंगे, इसे समझिएगा। मिलके करेंगे काम होगा, नम्रता भाव ले आएंगे काम होगा, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिग लेवल का वो ग्रोथ अगेन हो, तो नेक्स्ट ईयर थोड़ा सा संभालिए, आप 2024 का वेट करिए। धन के रूप में क्या बात करूं, जितनी मेहनत करेंगे उसके अनुसार ग्रोथ उतनी नहीं होगी जितनी आपको 2022 में हुई। दिक्कत आएगी, नहीं आएगी। दिक्कत कब आएगी,
जब आपको लगेगा कि मेरे साथ या आपका फोकस सिर्फ खुद पर होगा, थोड़ा सा लोकी होके चलना पड़ेगा आपको, यानी जो आपको अच्छा लगता है कि फोकस आप पे हो, ध्यान आप पे हो, श्रेय मिले आपको, उस चीज़ में थोड़ा सा आपको हम्बल होना पड़ेगा। अदरवाइज खर्चे बढ़ने के थोड़े चांसेस हैं। शादी और ग्रोथ के लिए जैसे 2022 रहा, उस मामले में मार्च तक रहेगा, उसके बाद थोड़ा सा स्लो डाउन होगा। हावेवर जल्दबाजी में अपने किसी रिश्ते को जोड़ने के लिए मत भागिएगा, वैसे ही रिश्ते को तोड़ने के लिए मत भागिएगा, क्योंकि कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो सकती हैं, तो उसके लिए ज़रूरी है आपस में अपने रिश्ते को ग्रो करने के लिए थोड़ा एक दूसरे के साथ समय बिताएं। धन और करियर रिलेशनशिप की हमने बात करी, हेल्थ की बात करी, अब बात कर लेते हैं कि कौन सी चीज़ें समाधान के रूप पर आपको हेल्प कर सकती हैं। एक तो डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट को अवॉइड करिए। आप कोशिश करिए अगले साल नॉर्थ में थोड़ा सा समय रोज़ाना ज़रूर बिताएं, और ख़ास तौर पर डेट 7 को अवॉइड करिएगा इम्पॉर्टेंट मीटिंग्स के लिए, या 7 बजे वाला टाइम, 7:02 हो चलेगा, 7 बजे एग्जैक्टली अवॉइड करिएगा। और रंगों के मामले में आप वाइट कलर, पिंक और येलो को अवॉइड करिए। आप यूज़ कर सकते हैं डार्क ग्रीन, ब्लू, लाइट ग्रीन ज़्यादा, और इसे ज़रूर करिए क्योंकि ये आपके लिए एक रेमेडी का काम करेगा। रिलेशनशिप की दिक्कत है, फाइनेंसिस की दिक्कत है, या करियर की दिक्कत है, ये सारी चीज़ें, इसे आपको ये समझना है नेक्स्ट ईयर आपको किसी न किसी तरीके से, या तो आप योगा से जुड़ जाएं, स्पिरिचुअलिटी या ध्यान में बैठें, मेडिटेशन से जुड़ जाएं, कोई ऐसा काम करें या दूसरों की हेल्प कर सकते हैं। मैं से हम औरों को लार्जर स्केल पे सपोर्ट करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं जब तक आप अपने अंदर या तो 7 का एट्रीब्यूट नहीं ले आएंगे या 7 की क्वालिटीज़ नहीं ले आएंगे, आपको लगेगा कि सब चीज़ें उथल पुथल हो रही हैं, या आपको चिड़चिड़ापन आने लगेगा, एंजाइटी। उन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए इसे ऐसे सोचिए कि आपके घर कोई ऐसा व्यक्ति मेहमान आया है जिसे आप मना नहीं कर सकते। अब उस मेहमान के लिए आप घर थोड़े छोड़ देंगे, अपने खाने पीने का तरीका नहीं छोड़ देंगे, पर उस मेहमान को आप तंग भी नहीं करेंगे, क्योंकि आप तो ऐसे होस्ट नहीं हैं कि मेहमान आया और तंग करें। तो करना ये है, थोड़ा सा अपनी आदतों को बदलना है ताकि उस मेहमान को आप थोड़ा सा ख्याल कर पाएं। अब उसी को कहते हैं मॉडिफिकेशन या प्लैनेटरी अलाइनमेंट या कर्मा अलाइनमेंट। अगले साल नंबर 7 है, आप स्पिरिचुअलिटी से, ऑकल्ट, इन चीज़ों के साथ थोड़ा सा जुड़िए। वो आपका अगर उसमें इंटरेस्ट नहीं है तो योगा, मेडिटेशन या लोगों की सेवा, या अपने एम्बिशियस, आपकी एम्बिशन जो है, एम्बिशन है, जितने आप एम्बिशियस हैं, आप भागते हैं महत्वाकांक्षी, उन चीज़ों की जगह एक नोटबुक लीजिए और जो चीज़ें आपके लिए ज़रूरी हैं उन चीज़ों पे फोकस कीजिए। 10 जगह फोकस शायद आपका जाए, या काम करते करते आपको लगे छोड़ देना चाहिए। इन चीज़ों से दूर रहना है। सेहत की दृष्टि से खाने पर ध्यान दीजिए। करियर में मिला के चलिए। धन का खर्च करते समय थोड़ा सा ध्यान देना है। रिलेशनशिप में हड़बड़ाहट में जल्दी में कोई डिसीजन नहीं लेना। अपने लकी कलर्स और डायरेक्शन का इस्तेमाल करिए। अदरवाइज फैमिली के लिए जैसे 2022 रहा, अगले साल में फर्क सिर्फ इतना आएगा आपको कि अपने एंसेस्टर्स, अपनी जड़ों, अपने रूट्स को याद रखिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 1247 की फैमिली को बोलते हैं 6 के साथ। 6 बदलता नहीं है, लेकिन 7 के आने के बाद 7 उसको कहता है थोड़ा सा अपने अंदर बदलाव ला ले, और वो बदलाव है एक्सेप्टेंस का। करना सिर्फ ये है आपको। मुझे कमेंट्स में बताएं कि आपका बर्थडे 6 का है या 15th या 24th का, और दुनिया के किस कोने से आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं। शेयर ज़रूर करें। Wishing you a very happy New Year 2023. Take care. Ambitiousness जो है, couldn't get it right. आपका